पार्टी के विधानसभा 34 वार्ड टांडा के अध्यक्ष दिनेश कुमार जी हमारे साथ हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे उपचुनाव को लेकर और नगर निकाय चुनाव को लेकर, कहीं कहीं बीएसपी की क्या तैयारी है स्वाड़ क्षेत्र में, और आज हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिनेश कुमार जी हैं। दिनेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। क्या तैयारी है, क्या रणनीति है आपकी? यहाँ सर अभी उपचुनाव की घोषणा जैसे हुई थी तो उसमें हमने ये देखा था कि बीएसपी के लिए बहुत सारे दावेदार और बहुत एक तैयारियाँ थी। क्या लगता है तैयारी क्या अब्दुल्ला का माने जाए, क्या बहाल होगी या बहुजन की क्या तैयारी? देखिए, बहुजन की जो तैयारी है जमीनी स्तर पर बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि हम लोग रात दिन घर घर जा कर के गांव चलो अभियान के तहत जनता से मिले हैं। जनता का ये बसपा की तरफ रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यदि अगर एक व्यक्ति अगर कोई जुड़ना चाहता है तो उसके साथ कम से कम सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आए थे। जैसे अभी हमने 15 मार्च को स्वार से साजिद अली को बसपा ज्वाइन कराई थी, तो उन्होंने देखा होगा आपने, यहाँ से लेकर मुरादाबाद तक गाड़ी का काफ़ी काफिला था। तो हमें भी ऐसे लोगों से उम्मीद रहती है कि जिनके साथ लोग खुद इतने ज़्यादा तादाद में आए, तो हमें लगता है कि हम जैसे 2007 में हमने सरकार बनाई थी उससे भी अच्छे प्रचंड बहुमत के साथ हम फिर सरकार बनाएंगे। और 2024 में की तैयारी चल रही है, और 2024 में की तैयारी जो है हमारी जमीनी स्तर के जितने भी कार्यकर्ता हमारे साथ में, ये नहीं कि हम ही हैं या और हैं, जो भी हैं सेक्टर अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ कमेटी हैं, उन सभी के आंकड़ों के हिसाब से ये माना जा रहा है कि 2024 में बहन जी ही यहाँ की प्रधानमंत्री बनेंगी। पीछे 2019 का चुनाव हुआ लोकसभा की हम बात करेंगे, उसमें बहन जी का वोट कहीं ना कहीं जो एक जाल्ड वोट जिसे कह सकते हैं मुस्लिम उनसे खिसक गया, जाल्ड वोट कहीं ना कहीं बहन जी का कोई, उन्होंने इस बीच में कहीं कोई जैसे धरना प्रदर्शन या सरकार के खिलाफ कुछ इस तरीके की आवाज़ न उठाई, उससे कहीं ना कहीं आवाम में एक मनोबल है। और नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, क्या प्रत्याशी अपना उतारेगी बहुजन समाज पूरी यूपी से? नगर पर काम कर रहे हैं, वो बाबा साहब का मिशन है। बाबा साहब ने जब अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को हमारे लिए छोड़ दिया, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे माननीय काशीराम जी ने अपना सारा जीवन बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लगा दिया। और धन्य हैं हम उस वंश से आते हैं कि हमारी बहन कुमारी मायावती पे हमें गर्व है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समुचित समाज के लिए, दबे कुचले अपर कास्ट एससी एसटी सभी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन नौछावर कर दिया। तो मेरी उम्मीद ये है कि अगर आम जनता और हर पढ़ा लिखा इंसान अगर इस बात को अगर गौर से समझे, पढ़े समझे, तो बहन जी का कर्ज नहीं उतर पाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल दिनेश कुमार जी से ये, अभी आपने देखा हाल ही में रायबरेली में केशव प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं विधान परिषद, और अखिलेश यादव ने अभी एक अनावरण किया है काशीराम जी की मूर्ति का, उस चीज़ को लेकर कैसा देखते हैं? क्या उन्होंने दलित बोर्ड में सैद मानने की कोशिश करी है, उस चीज़ को कैसे देखेंगे? देखिए, दलित बोर्डों के लिए जो सैद मानने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले जो जब मुलायम सरकार थी यहाँ पर, तो जनता को पता है कि जब उन्होंने एससी एसटी का जो आरक्षण का बिल था वो फाड़ा था, उन्होंने नहीं आगे आने दिया, तो आज वो किस मुँह से मानते हैं कि दलित बोर्ड उनका है? दलित बोर्ड और प्लस एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जितने भी बोर्ड हैं, देखिए जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि अब मुस्लिम समाज को भी समझ में आ गया है कि हमारा जो मान सम्मान है वो सिर्फ बसपा में ही, बाकी कहीं नहीं। दिनेश कुमार जी का मानना है 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे बहन जी की भागीदारी करने की सरकार में हिस्सेदारी रहेगी, और जो उनका दलित वोट बैंक है या मुस्लिम समाज है या ओबीसी वर्ग है, तो वो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि बहन जी के साथ आएगा और बहन जी जो है सरकार बनाने में सहयोग करेंगी। तो आज हमारे मेहमान दिनेश कुमार जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्राइम न्यूज़ जनरेट चैनल में आने के लिए। दिनेश कुमार जी का धन्यवाद।